क्या सूरज पर लैंड करेगा आदित्य L1? नहीं, भारत का आदित्य L1 सूरज पर लैंड नहीं करने वाला है। तो फिर ये जा कहाँ रहा है? आदित्य L1 सूरज से काफी दूर एक पॉइंट पर रहेगा। धरती और सूरज के सिस्टम के बीच 5 लैग्रेंजियन पॉइंट हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ ग्रेविटेशनल बैलेंस इस तरह है कि कोई भी चीज यहाँ काफी देर तक स्टे कर सकती है। आसान भाषा में कहें तो लैग्रेंजियन पॉइंट अंतरिक्ष के पार्किंग स्पेस है जहाँ सैटेलाइट तैनात किए जा सकते हैं। हमारा सूर्यान लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के चारों ओर एक हेलो ऑर्बिट में तैनात रहेगा। L1 पॉइंट अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, जबकि सूरज की पृथ्वी से दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। L1 पॉइंट इसलिए चुना गया है क्योंकि यहां से सूरज पर सातों दिन 2400 घंटे नजर रखी जा सकती है, ग्रहण के दौरान भी। आदित्य L1 सात पेलोड लेकर जा रहा है जो सूरज की अलग अलग सतहों पर नजर रखेंगे। आदित्य L1 का पृथ्वी से डिस्टेंस पृथ्वी और चंद्रमा के डिस्टेंस से 4 गुना ज्यादा होगा, लेकिन सूरज आदित्य L1 से बहुत दूर होगा, इसलिए हमारे सूर्यान के लिए सूरज उतना खतरनाक नहीं है जितना तब होता जब आदित्य L1 उसके बहुत करीब जाता। आदित्य L1 सूरज के अध्ययन के लिए पहली इंडियन स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है। इसका काम सूरज पर 24 घंटे नजर रखना होगा। ये वहाँ होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी जुटाएगा। ये इसरो का अब तक का सबसे कॉम्प्लेक्स मिशन होने वाला है।